हे गाइस, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेहंदी लुक। ये मेहंदी लुक मैंने बहुत ही कम चीज़ों में कंप्लीट किया है। अगर आपको जाना है मेहंदी सेरेमनी में और आप चाहते हैं कि आप फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाएं और आपको अच्छा सा मेकअप लुक मिल जाए, तो आप ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर सकते हैं। गाइस, ये मेकअप लुक मैंने किया है बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही जल्दी जल्दी किया है। आपको बहुत कम टाइम लगेगा ये वाला मेकअप करने के लिए और आप जल्दी से रेडी हो जाएंगे अपने फंक्शन में जाने के लिए। तो हे गाइस, यहाँ मैंने लिया है स्किन फूड क्रीम, है काफ़ी अच्छी क्रीम है गाइस। ये मॉइस्चराइजर के लिए तो उसके बाद लिया है मैंने हुडा ब्यूटी का प्राइमर और अब मैं अपने आईब्रो को कर रही हूँ फिल इस तरह से। और उसके बाद मैंने लिया है सुस ब्यूटी का कंसीलर और इस तरह से मैं लगा रही हूँ ताकि मेरी आईब्रो भी अच्छे से सेट हो जाए। और मैं अपनी आई लिप पे भी लगा रही हूँ ताकि हम जो भी आई शेडो इसमें अप्लाई करें उसका वो अच्छे से उभर के उसका कलर आए। और मैं इस ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से आप कंसीलर लगाएंगे तो आपका जो आईब्रो है बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा और आप जो भी आई शेडो अप्लाई करेंगे वो बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रश से कर लीजिए। उसके बाद मैंने लिया है लूज़ पाउडर और इसको मैं इससे अच्छे से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है आई शेडो, ये बहुत ही हल्का कलर लिया है मैंने सबसे पहले। उसके बाद लिया है मैंने ग्रीन कलर और उसे मैं इस तरह से अच्छे से लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया गोल्डन और उसे मैं इस तरह से ही लगा रही हूँ और मैंने अभी दोनों आई पे लगा लिया। उसके बाद मैंने लिया है आईलाइनर, ब्लू हेवन का आईलाइनर है गाइस ये, और इस तरह से मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपनी दूसरी आई में भी लगा रही हूँ आईलाइनर और थोड़ा सा मैं आईलाइनर ऐसे लगा रही हूँ ताकि हम जब काजल लगाएं ना तो वो बहुत अच्छे से लगे और बिल्कुल भी फैले नहीं। ये एक हैक्स है, आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका काजल बहुत देर तक टिका रहेगा और बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। और देखिए मैं लगा रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल सा जो काजल आता है 10 रुपीज़ का, वो वाला काजल लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद लिया है मैंने फिट मी का फाउंडेशन और इस तरह से पूरे फेस में मैं डॉट डॉट करके उसे अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये। और उसके बाद मैंने लिया है ब्रश और उसे मैं अच्छी तरह से अपने फाउंडेशन को कर रही हूँ ब्लेंड बहुत अच्छे से। आप फाउंडेशन जब भी लगाएं तो उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि जो हमारा मेकअप है वो बहुत अच्छा आए। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कितने इजीली ये ब्लेंड हो जा रहा है। और उसके बाद लिया है मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट और उसे मैं इस तरह से अपने पूरे मैंने जो अभी उसके बाद लिया है मैंने मैट लुक का ब्लश और उसे मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ गाइस। बहुत ही अच्छा है ये भी, इसमें अच्छे कलर्स हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने लिया है सुस ब्यूटी का हाइलाइटर और उसे भी इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह का ब्रश ले सकते हैं या फिर आप कोई भी ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से मैंने नोज़ पे लगा लिया है। उसके बाद मैंने लिया है लिपस्टिक और लिक्विड लिपस्टिक है ये गाइस, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। लिपस्टिक के लिए मैंने दो कलर चूज़ किए हैं, एक है डार्क और एक थोड़ा सा लाइट शेड है। और इस तरह से लगा लिया और अब मैंने लिया है ये बिंदिया और अब लगाया है बिंदी और यहाँ होता है मेरा मेकअप कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा गाइस? लगता है पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय।